जानते हैं विश्व भर में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी अधिक प्रयोग किया जाने वाला कार्ड कौन सा है? वो है विक्टिम कार्ड। इसे किसी भी समय किसी भी स्थिति में प्रयोग में ला अपनी गलतियों पर पर्दा डाला जा सकता है और इसको आज से नहीं हमेशा से प्रयोग किया जाता रहा है। रामायण में वही विक्टिम कार्ड लेकर सूर्पनखा रावण के पास गई थी। महाभारत में यही विक्टिम कार्ड लेकर दुर्योधन श्री कृष्ण से उनका और उनकी नारायणी सेना का साथ मांगने गया था और अब यही विक्टिम कार्ड भारत का पड़ोसी देश चीन भी खेल रहा है। दूसरे देशों पर साइबर हमले करने वाला चीन अपनी फेक क्यूटनेस के झांसे में दुनिया को फंसाकर यह बताना चाहता है कि भारत और ताइवान मिलकर उस पर साइबर अटैक कर रहे हैं। क्या है सारा मामला जानेंगे विस्तार से TFI पर मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। जब से CCP के नेतृत्व में चीन का विश्व परिदृश्य पर उदय हुआ है तब से यह देश न तो अपने नागरिकों को चैन से जीने दे रहा है और ना ही विश्व के लोगों को। कभी धमकी से तो कभी सीमा पर गुंडागर्दी, तो कभी जल क्षेत्र को लेकर पड़ोसी देशों पर दबाव, तो कभी साइबर हमले। कोरोना को विश्व में फैलाकर चीन ने तो हद ही मचा दी। हालांकि अब विश्व के छोटे से लेकर बड़े देश सभी चीन के विरुद्ध उतर चुके हैं। ये देश सामरिक हमलों के साथ साथ अब साइबर वारफेयर में भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। चौथी पीढ़ी की युद्ध नीति अपनाते हुए चीन ने कई देशों पर साइबर वारफेयर किया था, लेकिन अब उसी को ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। खास बात यह है कि स्वयं CCP अपने मुखपत्र के माध्यम से इसे स्वीकार कर रहा है। दरअसल कई देशों के खिलाफ साइबर वारफेयर करने वाले चीन के ग्लोबल टाइम्स ने यह स्वीकार किया है कि ताइवान और भारत के कुछ समूह मिलकर चीन पर लगातार साइबर हमले कर रहे हैं। पिछले महीने ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार किया था कि भारत के एक समूह ने उसकी नाक में दम कर रखा है और अब उसने यह स्वीकार किया है कि ताइवान से भी उस पर लगातार साइबर हमले हो रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार ताइवान द्वीप से एक उन्नत संगठन ग्रीन स्पॉट चीनी मुख्य भूमि पर साइबर हमले शुरू कर चुका है। इस संगठन का मुख्य निशाना बीजिंग और पूर्वी चीन के फूजियान प्रांत है। चीन की सुरक्षा कंपनी थ्रेटबुक ने बताया कि ग्रीन स्पॉट ने 2007 में साइबर हमले शुरू किए और 2013 में इन हमलों के ताइवान द्वीप से होने की पुष्टि की गई। यह मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों और एरोस्पेस तथा सैन्य संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को हाई वैल्यू वाले डेटा तथा क्लासिफाइड जानकारी की चोरी करने के लिए भी लक्षित करता है, जिसमें स्पीयर फिशिंग ईमेल उनके हमले के पसंदीदा तरीके के रूप में होते हैं। ग्रीन स्पॉट ने कई प्रमुख विश्वविद्यालय पर बड़े पैमाने पर लक्षित फिशिंग हमले शुरू किए। ये हमले आमतौर पर लक्षित यूजर्स की गुप्त जानकारी चुराने के उद्देश्य से या खुफिया जानकारी एकत्र करने या ट्रोजन हॉर्स को छोड़ने के लिए किए गए थे। फिशिंग लिंक भेजने के लिए संगठन फिशिंग ईमेल पर निर्भर करता है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि इस साल ग्रीन स्पॉट द्वारा किए गए लक्षित हमलों का दायरा व्यापक है। जितने हमले किए गए उनमें से 50% विश्वविद्यालय के ऊपर किए गए थे तथा 15% वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के ऊपर थे। ताइवान के साइबर हमलों ने एरोस्पेस, ऊर्जा और चिकित्सा क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। ग्लोबल टाइम्स ने यह स्वीकार किया कि ताइवान द्वारा किए गए साइबर अटैक्स मुख्य रूप से बीजिंग और फूजियान के ऊपर केंद्रित थे। सभी हमलों में से बीजिंग के ऊपर 53% तथा फूजियान के ऊपर 9% हमले हुए। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने अपनी 20 नवंबर को एक रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि चीन के साइबर सुरक्षा कंपनियों में से एक एंटी लैब्स द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार एक दिल्ली में स्थित हैकर टीम ने चीन और पाकिस्तान में सरकारी एजेंसियों तथा रक्षा विभागों के खिलाफ साइबर हमले किया था। चीनी मुखपत्र के अनुसार एंटी लैब्स ने इस टीम को यू ज़ियांग यानी बेबी एलिफेंट का नाम दिया था, जो दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ साइबर हमले कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन अपने मुखपत्र में अक्सर भारत को हाथी और स्वयं को पांडा के तौर पर प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसका नाम बेबी एलिफेंट रखा गया है। ग्लोबल टाइम्स ने एंटी लैब्स की रिपोर्ट के माध्यम से स्वीकार किया कि यह भारतीय हैकिंग टीम वर्ष 2017 से ही साइबर हमले कर रही है। चीनी साइबर टीम ने जाँच किया तो उन्हें पता चला कि यह एक अन्य टीम व्हाइट एलिफेंट से अलग है, लेकिन यह भी दिल्ली ही स्थित है। हास्यास्पद यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार किया है कि 2021 में इस समूह ने खुफिया जानकारी के लिए चीनी संस्थानों पर लक्षित हमले शुरू किए। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन की कई प्रमुख साइबर सुरक्षा कंपनियों का कहना है कि दक्षिण एशिया के शीर्ष हैकर्स मुख्य रूप से भारत से लगातार रक्षा और सैन्य इकाइयों के साथ साथ चीन, नेपाल और पाकिस्तान के स्वामित्व वाले उद्यमों पर हमला कर रहे हैं।
सभी देशों पर स्वयं साइबर हमला करने वाले चीन के इस मुखपत्र ने 5 नवंबर को अपनी एक रिपोर्ट में भी यह भी स्वीकार किया था कि एविल फ्लावर नामक एक भारतीय हैकिंग समूह ने चीन, पाकिस्तान और नेपाल में सरकारी तथा सैन्य उद्यमों पर कई साइबर हमले किए। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस समूह के साथ साथ ल्योर ऑफ ब्यूटी और घोस्ट वॉर एलिफेंट नाम के कुछ अन्य समूहों को कथित तौर पर भारतीय राज्य द्वारा समर्थन प्राप्त है। यह पहली बार है कि चीन स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि उसके ऊपर साइबर हमले हो रहे हैं। चीन तेजी से अब स्वयं शिकार बनता जा रहा है। अब तक जब साइबर हमलों की बात आती है तो कम्युनिस्ट राष्ट्र निर्विवाद रूप से हमलावर था, लेकिन अब भारत और ताइवान जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। चीन डर से इतना कांप रहा है कि वह स्वयं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उतर चुका है। CCP लगातार साइबर अटैक को स्वीकार कर रहा है, साथ ही यह भी मान रहा है कि भारत और ताइवान से लगातार हो रहे हैकिंग चीन के लिए खतरा बन चुके हैं।